देखिए दोस्तों, ये जो है पानसर डैम का पानी है पीछे, जो आप मुझे मेरे पीछे देख पा रहे हैं। हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं ऑफिस के कलीग कम फ्रेंड्स के साथ जा रहा हूँ पानसेत में। एक रिसोर्ट है बैम्बू एंड ब्रिक्स, तो आज वो रिसोर्ट में जाने का प्लान है दोस्तों। तो आज का व्लॉग वहीं का होने वाला है। हम लोग हर क्वार्टर में साल में 4 बार आउटिंग के लिए जाते रहते हैं। इसके पहले हम लोग गए थे पंचगनी, उसके पहले गए थे महाबलेश्वर, एंड उससे भी पहले गए थे गर्जत में मूनस्टोन हैमक करके था, वहाँ पे गए थे। तो दोस्तों, ये सारे लोकेशन का व्लॉग अवेलेबल है मेरे चैनल पे। तो आप अगर फैमिली ट्रिप प्लान करते हैं या टीम के साथ आउटिंग प्लान करते हैं, तो इट्स नॉट काइंड ऑफ टीम बॉन्डिंग, काइंड ऑफ ये फ्रेंड्स आउटिंग आप बोल सकते हैं। तो आज का भी मैं रिसोर्ट का कवर करूंगा कि रिसोर्ट में क्या कैसा क्या है, रूम्स कैसे हैं, वहाँ पे आपको जाना चाहिए कि नहीं, आसपास में कैसा क्या है। पांचेत तो मैं कई बार गया हूँ। अभी 1 महीने पहले मैंने एक व्लॉग डाला था, व्लॉग का लिंक मैं डाल दूंगा आपको, आप देख सकते हैं। एंड दोस्तों, हैप्पी फ्रेंडशिप डे, आज फ्रेंडशिप डे भी है। तो दैट्स अ कोइंसिडेंस एक्चुअली कि हम लोग का जो आउटिंग का प्लान बना उस दिन फ्रेंडशिप डे निकल आया। हमको हमने प्री प्लान नहीं किया था ऐसा। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। तो रूट मैं आज कवर करने वाला हूँ, यहाँ से जा रहा हूँ मैं पिंपले सौदागर, फिर वहाँ से मैं हिंजावडी फ्लाईओवर के नीचे से बैंगलोर हाईवे पे जाऊँगा, एंड देन सेगर रोड से होते हुए खड़कवासला होते हुए पानसेत। तो दैट्स अ प्लान दोस्तों। We'll be right back.
देखिए दोस्तों, ये डैम का पानी है जो निकल के आ रहा है बाहर, कितना भयावह दिख रहा है। दोस्तों अभी हम लोग जस्ट पहुंचने वाले हैं 2 मिनट्स में, 1 किलोमीटर बचा है बस, बैम्बू एंड ब्रिक्स रिसोर्ट। तो दोस्तों आपको पहुंच के बताता हूं मैं, रोड जो है यहां का बहुत शानदार है जैसा आप देख पा रहे हैं, बट छोटा है, दो कार को क्रॉस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बाकी जंगलों के बीच है ये। आपने मेरा पांचेत का वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो आप, मैं लिंक डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। मैं इधर ही आया था एक्चुअली, ये रोड आगे जाके घोल वाटरफॉल को भी जाता है। तो इनके साथ नेचर लवर्स हैं, एडवेंचरस हैं, आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं देन आप घोल वाटरफॉल जा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं बैम्बू एंड ब्रिक्स, तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ अंदर पार्किंग की कैसी फैसिलिटी है, रूम्स कैसे हैं। तो दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एम्पल स्पेस ऑफ पार्किंग है, और ये एंट्री लेने के बाद आपको अंदर आना पड़ता है। यहाँ हमने अपनी कार पार्क कर रखी है, तो ये एंट्री है यहाँ का। बारिश के कारण थोड़ा सा असुविधा हो रही है, इसके लिए सॉरी दोस्तों। तो ये इसका रिसोर्ट में हम ऑलरेडी आ चुके हैं, ये अंदर आने का, अंदर रिसेप्शन है और एजुकेशनल जो भी रूम है यहीं पे अंदर है। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ, आपको दिखाता हूँ आगे। ये रिसेप्शन है दोस्तों, और ये छोटा सा गार्डन है राइट साइड में, ये गेम सेक्शन है, और ऊपर जो है वो रेस्टोरेंट है जो आपको मैं अभी दिखाया था। लोकेशन बहुत प्यारा है दोस्तों, चलिए आपको एक सैर करवाता हूँ रिसॉर्ट की। ये बच्चों के लिए खेलने का एक थोड़े बहुत स्पोर्ट्स के सेक्शन है यहाँ पे, बट बारिश के कारण अभी सब कोई भी नहीं है, और आज वैसे भी संडे है तो आज लोग यूजुअली लोग संडे को चेकआउट करते हैं, हम लोगों ने संडे को चेक इन किया है। ये जो आप सामने देख रहे हैं दोस्तों, अभी हम जाएंगे, अभी वो रूम रेडी कर रहे हैं वो लोग, रूम रेडी होगा तो मैं रूम को भी कवर करूंगा दोस्तों। ये गार्डन के चारों तरफ मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहां पे कैसा क्या है। तो रूम के लिए आपको यहाँ नीचे जाना पड़ता है,
अभी आपको नीचे जाके दिखा देता हूँ। तो जैसा नाम है दोस्तों, ब्रिक्स एंड बैम्बू, बैम्बू एंड ब्रिक्स। तो लोकेशन बहुत शानदार है दोस्तों, एक बार रूम रेडी हो जाए तो फिर आपको रूम के अंदर का भी कवर करके दिखाता हूँ कि रूम के अंदर कैसा है। ये रिसोर्ट एकदम नेचर के करीब, एकदम नेचर में ही एक्चुअली बना हुआ है, जंगलों के बीच। बहुत ही सुंदर लोकेशन है एक्चुअली यहाँ का। तो दोस्तों हम यहाँ पे आ चुके हैं, और ये है रिक्रिएशनल या गेम सेक्शन आप बोल सकते हैं। यहाँ पे मेरे जो कलीग कंप्लेंट्स हैं, ये मोहित, ये हम लोग यहाँ पे गेम खेल सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन सा गेम है यहाँ पे। ओ भाई थोड़ा धीरे से खेलता है, वो दो एक दूसरा दूसरा बॉल में आ जाए। क्या फर्क पड़ रहा है? चलिए दोस्तों आपको ऊपर लेके चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या है। बारिश बहुत तेज हो रही है इसके लिए। यहाँ पे रेस्टोरेंट है दोस्तों, देखिए दोस्तों लोकेशन एकदम शानदार है। एम्बियंस देखिए दोस्तों, यहाँ का एकदम शानदार है, मस्त है लोकेशन। यहाँ पे आपको पक्का आना चाहिए फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। यहाँ का लोकेशन एनीवे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दिस रिसोर्ट इज बैम्बू एंड ब्रिक्स रिसोर्ट पांचेत। तो बने रहिए दोस्तों मेरे साथ। इफ यू लाइकिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ASP_blog007। ये चैनल को, मेरे चैनल को आप द फनी वंडर के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारा रूम है, ऐसे हमने तीन चार रूम बुक किए हैं। आपको मैं रूम का पूरा डिटेल्स में दिखाता हूँ, रूम में क्या क्या है। तो ये देखिए दोस्तों, एक डबल बेड है और एक सिंगल बेड है। ऊपर का अंदर का पूरा इंटीरियर देख लीजिए दोस्तों, शानदार है। जैसा नाम है यहाँ के रिसोर्ट का, बैम्बू एंड ब्रिक्स। तो ब्रिक्स आपने बाहर देख लिया है, और ये बैम्बू से बना हुआ रूम
यहाँ का व्यू देखिए दोस्तों, ये बालकनी है, शानदार ऑसम। ये जो रूम है इसका, ये बालकनी है दोस्तों, ये एक रूम है, बाकी का भी रूम का मैं व्यू दिखाता हूं आपको। वॉशरूम भी देख लीजिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों ये दूसरा रूम है। तो स्ट्रक्चर वाइज, अंदर से इंटीरियर वाइज सब कुछ सेम है, डिट्टो सेम है। जो रूम के अंदर जो आपके सामान है, जो एसेट्स आप बोल सकते हैं, जो टीवी है, बेड का स्ट्रक्चर, रूम का स्ट्रक्चर, एवरीथिंग इज सेम, तो देयर इज नो डिफरेंस। ऐसा लग नहीं रहा है कि मैं दूसरे रूम में आया हूँ, इट्स एग्जैक्टली सेम। हाँ, बालकनी से व्यू आपका चेंज हो जाता है। बालकनी से आप अच्छा टाइम लैप्स वीडियो कैप्चर कर सकते हैं दोस्तों। दिस इज बैम्बू एंड ब्रिक्स रिसोर्ट पानचेत। इफ यू आर लाइकिंग दिस व्लॉग, प्लीज लाइक एंड कमेंट। आपको ये व्लॉग कैसा लग रहा है? अगर कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो मुझे बताइए दोस्तों कमेंट्स में। यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल ASP_vlogs007। आप मेरे चैनल को द फनी वंडर के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज हमारा ये रिसोर्ट में दूसरा दिन है, बैम्बू एंड ब्रिक्स रिसोर्ट। तो चलिए दोस्तों, अभी नाश्ता करने चलते हैं। आपको मैं दिखाता हूँ नाश्ते में क्या क्या है। तो दोस्तों, ये था ये बैम्बू एंड ब्रिक्स रिसोर्ट।
यहाँ पे आपको कैसा लगा ये व्लॉग आप बताइए मुझे। ये लोकेशन बहुत अच्छा है दोस्तों, यहाँ पे देखिए बालकनी का जो व्यू है आपको, जैसा मैं दिखाया था यहाँ पे मोर भी आते हैं, एक्चुअली मोर की आवाज़ें आ रही थी, मोर भी पास में आते हुए दिखते हैं आपको। तो ये देखिए दोस्तों बालकनी का व्यू मैं आपको फिर से दिखाता हूँ। वी आर चेकिंग आउट एज ऑफ नाउ, सो आप यहाँ आ सकते हैं दोस्तों फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। दिस इज़ सुपर्ब लोकेशन इन पानसेत बैम्बू एंड ब्रिक्स रिसॉर्ट। सो दोस्तों यहाँ का लोकेशन मैं डाल दूंगा, आप यहाँ पे आ सकते हैं। मैंने 1 month पहले पानसेत विजिट किया था, पानसेत में कई बार आ चुका हूँ इनफैक्ट, बट रिसेंटली मैं आया था, तो वो ब्लॉग का लिंक भी डाल दूंगा दोस्तों। सो बने रहिए मेरे साथ। इफ़ यू लाइकिंग दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एस पेन उसको ब्लॉग्स 007। यू कैन ऑल्सो आप मेरे यूट्यूब चैनल को द फनी वंडर के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। सो अपना प्यार ऐसे बनाए रखिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.